स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपने चैनल ऑर्गेनिक बिल्डिंग फार्मिंग में। बहुत समय बाद दोस्तों मैं आपके सामने लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूं, जो कि ग्वाड फैमिली का है, जिसे कि बेल वाली सब्जियां भी कहते हैं। गर्मियों का सीज़न दोस्तों आ चुका है, इसी मौसम में होने वाली बेल वाली सब्जियों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। सामने आप यह देख रहे होंगे, टैंक के ऊपर फर्श पड़ा हुआ है और यह जगह बिल्कुल बेकार थी, लेकिन दोस्तों मैं इस जगह को सही से मेंटेन करके इसमें बेल वाली सब्जियां लगाया हूं। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इसमें मैं किस तरीके से बेल को ग्रो करूंगा और किस तरीके से इसको मैं ऊपर जाल बनाकर इस पर लगाऊंगा, उसका मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। इसमें दोस्तों काली तोरी, लौकी, कद्दू और करेला, गोल लौकी, लंबी लौकी, सब तरीके की सब्जियां आप देख रहे होंगे लगा हुआ है। इसको दोस्तों लगाने का बहुत आसान तरीका होता है, इसे हम पौधा नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं और दोस्तों आप इसे घर पर भी बीज से तैयार कर सकते हैं। इसका दोस्तों सही समय होता है, अगर आप बीज डालेंगे घर पर तो इसे 15 फरवरी को डालें, और दोस्तों अगर आप पौध लाकर लगाएंगे तो इसे 20-25 मार्च के बाद आप इसे लाकर पौध लगा सकते हैं, जिससे कि हल्की हल्की गर्मी जब पड़ने लगेगी तो यह पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और आपको यह लगभग 2 से 2.5 महीने में सब्जियां देने लगेगा। पौधे लगने के दोस्तों लगभग 15 से 20 दिन बाद हमें इसकी जाल बनाना पड़ेगा। यह आप देख रहे होंगे जाल बनाना चालू हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों हम इसके पिलरों पर तार बांधेंगे, जिससे कि रस्सी अच्छी तरीके से टाइट हो सके और आंधी आने या तूफान आने के बाद हमारे जाल को कोई फर्क ना पड़े और जाल रुका रहे। सबसे पहले हम तार बांध कर दोस्तों, तार बांधने के बाद इसमें हम, या आप देख रहे होंगे यह प्लास्टिक का गुल्ला है, प्लास्टिक के गुल्ले से हम खूब अच्छी तरीके से ऊपर जाल को बुनेंगे, जिससे कि हमारा बेल उसके ऊपर चलता रहेगा और पे पकड़ भी अच्छा करता है और आंधी तूफान आने पर जाल उड़ेगा भी नहीं। इसे हम खूब मजबूत तरीके से जाल बनाएंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों जाल बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम नीचे तार का सपोर्ट दिए हुए हैं, फिर उसके बाद इस पे जाल बुनने लगेंगे। यह आप देख रहे होंगे खाली जगह है, यहाँ बीच में कुछ नहीं होता, लेकिन इस तरीके से हम इसे मेंटेन करके इसमें बेल लगाकर अच्छी सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। पूरी गर्मी भर हम बेल वाली सब्जियां खा सकते हैं, लौकी, कद्दू, ककड़ी, खीरा, सब कुछ इस पर आसान तरीके से हो जाता है। इसको हम इस तरीके से बुन देंगे जिससे कि इसके ऊपर बेल चलती रहे और नीचे इसमें सब्जियां लटकती रहेंगी। इसे हम हार्वेस्ट करके अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल ऑर्गेनिक बिल्डिंग फार्मिंग पर आप पहली बार आए हैं और दोस्तों आप किसी भी सब्जी के बारे में जानकारी चाहते हैं, जैसे कि गर्मी वाली सब्जियां या सर्दियों वाली सब्जियां या मशरूम या फ्रूट, आपको दोस्तों मेरे चैनल ऑर्गेनिक बिल्डिंग फार्मिंग में सभी प्रकार की सब्जियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी वीडियो देखने को मिल सके और संपूर्ण जानकारी मिल सके। क्योंकि दोस्तों जगह कोई सी ख़राब नहीं होती है, लेकिन दोस्तों उसे उगाने का तरीका होना चाहिए। इन्हीं तरीकों को दोस्तों मैं अपने वीडियो ऑर्गेनिक बिल्डिंग फार्मिंग पर दिखाता हूं और लोगों को संपूर्ण जानकारी देता हूं। या आप देख रहे होंगे प्लास्टिक का जाल बनकर बिल्कुल हमारा तैयार है और यह पौधा भी लगभग 1 से 1.5 महीने का हमारा हो चुका है और इसमें बेल बनना चालू हो चुका है। आप देखोगे यह इसकी पकड़ भी हल्की हल्की होने लगी है। दोस्तों जाल बनाते समय आप ध्यान रखना, हमें नारियल की रस्सी की भी ज़रूरत इसमें पड़ती है, जिससे कि बेल हम ऊपर तक पहुंचा दें। यह आप देख रहे होंगे नारियल की रस्सी है और इसमें इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। आप देख रहे होंगे इसकी पकड़ कितनी अच्छी है, उस पर हल्का हल्का फूल और काली तोरी भी लगने लगी है। ऊपर तक पहुँचाने के लिए दोस्तों हमें नारियल की रस्सी का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपके पास दोस्तों ऐसी भी खाली जगह नहीं है तो आप छत पर ड्रम में बेल वाली सब्जियां उगा सकते हैं। मेरे चैनल पे दोस्तों सभी प्रकार की बेल वाली सब्जियां उगाकर छत पर दिखाई गई हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर
सभी वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने छत पर बहुत आसान तरीके से बेल वाली सब्जियां उगा सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप अपने हाथ से उगाई हुई सब्जियां खाएंगे तो वह बिल्कुल ऑर्गेनिक रहेगी, लेकिन दोस्तों हम बाज़ार से जो सब्जियां लेते हैं उसमें दोस्तों दवाई का और कीटनाशक का स्प्रे हुआ रहता है, जिससे कि आदमी के शरीर में अन्य को बीमारियों का शिकार होते जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कभी भी अगर आपके पास जगह खाली है या तो आप छत पर सब्जियां लगाएं तो दोस्तों अपने हाथ से लगाएं और अपने घर का ही उगाई हुई सब्जियां खाएं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आपके पैसे भी कम खर्च होंगे और आपके हाथ का उगाया हुआ सब्जियां बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से प्राप्त होती रहेंगी। बहुत समय इंतज़ार के बाद मैं यह वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। पौधा लगाने से लेकर दोस्तों सब्जी बिल्कुल तैयार तक का वीडियो दिखाया गया है, इसको आप देखें और किस तरीके से लगाना है पूरे तरीकों को आप सीखें। आप चैनल पर बने रहें लास्ट तक। लगभग 2 महीने बाद दोस्तों आप इसमें देखोगे फूल आना चालू हो चुका है और इसमें छोटी छोटी सी काली तोरी भी आनी चालू हो चुकी है। देखोगे दोस्तों करेले पे भी फूल आने लगा है और इस पे कुछ दिन बाद करेला भी आना चालू हो जाएगा। फिर आप दोस्तों देखेंगे यह काशी फल, जिसे कि हम कद्दू भी कहते हैं, उस पे भी फूल आना चालू हो चुका है दोस्तों। फिर आप यहाँ देखेंगे लौकी पे भी फूल आना चालू हो चुका है, कुछ दिन बाद इसमें भी लौकियाँ लटकनी चालू हो जाएगी दोस्तों। यहाँ देखेंगे आप लौकी पे फूल ही फूल दिख रहे होंगे आपको। लगभग दोस्तों मैं आपको 3 महीने का वीडियो दिखा रहा हूँ या 3 महीने बाद आपको कुछ दोस्तों ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों फूल आ चुके हैं और इसमें काली तोरी भी आना चालू हो चुका है। इसको दोस्तों हम हार्वेस्ट करके अपने किचन में सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या बिल्कुल हार्वेस्ट करके सब्जी बनाने लायक तैयार है। आप दोस्तों इसी तरह संपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। आप यह देख रहे होंगे आपको मैं लगाने से लेकर हार्वेस्ट तक की वीडियो फाइनली दिखा चुका हूँ। इसी तरीके से आप दोस्तों अपने घर पर या तो अपने छत पर बहुत आसान तरीके से सब्जी उगा सकते हैं और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से आप सब्जी अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अनेकों बीमारियों से दोस्तों बचे रहेंगे। इसी तरीके का दोस्तों वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल पर आप बने रहें और ऐसी ही नई नई वीडियो आपको मैं दिखाता रहूँगा। इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल ऑर्गेनिक बिल्डिंग फार्मिंग को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको ऐसी ही नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और आप देखते रहें और अपने घर में ही सब्जियां उगाते रहें। वीडियो पर बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।